हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ यदुवंशी। जैसे ही आप सबको पता है, आज मेरा बर्थडे है और ऐसा हमने कुछ प्लान नहीं किया था रात को, लेकिन गौरव भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया रात को। वो गहने से केक लेकर आया और हमने रात को कटिंग करी केक की। और जैसे मोनिका दी जा चुकी थी अपने घर, और तो फिर हमने उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट करा, और ऑब्वियसली अभी यहाँ पर है नहीं तो उनको भी हमने वीडियो कॉल पर कनेक्ट करा, और अपने बर्थडे का फर्स्ट सेलिब्रेशन हमने स्टार्ट करा विद फैमिली। आप देख सकते हो तनु ने केक कट निकाल दिया प्लेट में, क्योंकि उसमें केक कट नहीं सकता था, उसके हमने प्लेट्स में निकाला और केक काट के सेलिब्रेशन स्टार्ट करा। तेज बना फील फील आप फील ले सकते हो। तो जैसे आप सबको पता है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। और आज मैंने अभी सूट डाला है क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, साईं मंदिर जा रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे साईं मंदिर पे। सो गाइस, फाइनली मैं कालका मंदिर पहुंच गई। मैंने वैसे कहा था कि मैं पहले लोधरूड मंदिर जाऊंगी, पर मैं पहले कालका मंदिर आ गई हूं। और जैसे मौसम बहुत प्यारा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोस में शूट कर लेती हूं मैं भी, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज का मौसम कितना प्यारा है। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ, बस मैं अभी यहाँ पर स्कूटी अपनी पार्क करती हूँ और फिर चलती हैं अंदर मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ, अभी मैं फर्स्ट में पहले आई हूँ कालका मंदिर, तो मैं कालका मंदिर पहुँच चुकी हूँ। सूट के साथ मैंने ये स्टॉल ले लिया, ताकि तो थोड़ा मौसम भी अच्छा था और दर्शन बिना दुपट्टे के होंगे नहीं, तो चलते हैं कालका मंदिर, आपको दिखाते हैं आगे। आज भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा है ये भी कि काफ़ी खाली ये मंदिर है। आज मैं फर्स्ट टाइम अपने बर्थडे पर अकेले आई हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मोस्टली मेरे जन्म बर्थडे पे ये तो मम्मी चलू वगैरह सब आते रहते हैं, या फिर अभी हम इस साथ होते थे, तो बट इस बार जो है मैं अकेले आई हूँ अपने बर्थडे पर माता रानी को दर्शन करने के लिए। बट कोई नहीं, मैक्सिमम पक्का अभी सब चलूँगी। गाइस, ये मंदिर का रास्ता है, मैं उस साइड से नहीं गई, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो मैं आगे से दूसरे साइड चल रही हूँ। और ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत है, बट और दिन के अकॉर्डिंग ना बहुत ही खाली है मंदिर। और ख़ासकर आज थर्सडे है, ट्यूसडे और सैटरडे और थर्सडे को तो बहुत ही रश आता है, बट थैंक यू माता रानी, आज भीड़ बहुत कम है। चलो मैं आपको, अब मैं अंदर मंदिर के दर्शन कराती हूँ कि भीड़ नहीं होगी, बट उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन है, लेकिन सिर्फ आगे है, पीछे से खड़ी साथ नहीं है, इसलिए मंदिर में एंट्री करने की यहाँ भीड़ लग रही है। लाइन ज़्यादा लंबी है नहीं, छोटी सी ही लाइन है, आप देख सकते हो, और मैं लाइन से बाहर निकल गई और अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आज यहाँ पर भीड़ इसलिए है क्योंकि ये टाइम जो है ना वो माता रानी को भोग लगाने का है, तो इसलिए इतनी सारी भीड़ भी हो रही है। और अभी आपको मेरे पीछे की आवाज़ काफ़ी आ रही है, तो ये माता रानी के दरबार अब खुलने वाले हैं, जिससे पहले माता रानी को भोग लगाया जा रहा था, और अब वो समय आ चुका है जिस टाइम माता रानी के दरबार खुले रहेंगे। तो कुछ करते हैं शास्त्र प्रणजी पूजा, तो दरबार खोलने से पहले शंख और ये घंटियाँ बजाई जाती हैं,
जिससे माता और जो बाकी भक्त को भी बाहर पता चल जाता है कि हाँ अब गेट खुलने वाले हैं। तो गाइस अब चलते हैं अंदर जय कालकंद। और अब माता की दरबार पहुंच गए तो अब हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ थी वो इसी वजह से भीड़ थी क्योंकि दरबार बंद है। अब हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भीड़ कम हो रही है, अब आप देख सकते हो मैं भी अंदर जाती हूँ, पर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर आपको अंदर के दर्शन कराऊंगी। वैसे एक गेट ये भी है अंदर जाने के लिए, पर ये मतलब पंडितों के लिए खोला जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं दरबार के पास आ गई जहाँ भक्तों के लिए एंट्री है, और यहाँ से सभी भक्त अंदर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। मैंने सोचा कि मैं पहले रुक जाती हूँ, मैं पीछे थी, सोचा था कि माता रानी को मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर पाऊँगी, पर काफ़ी भीड़ थी तो माता रानी नहीं दिख पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी आगे जाती हूँ और फिर मैं कैप्चर करती हूँ। तो इस वीडियो थोड़ी सी देरी आ गई थी, और लेकिन माता रानी के ज़रूर आप सबको दर्शन हुए, मुझे भी जय कालका माँ बहुत अच्छे दर्शन हुए थे मुझको भी, और बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी अंदर। अब मैं बाहर आ गई हूँ, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर एक शिवलिंग बनी हुई है, यहाँ पर भी हम सब लोग दर्शन करते हैं। यहाँ शिव जी और नंदी जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी मान्यता है। यंटी ने किसी चीज़ की मान्यता करी थी तो वो आप देख सकते हो कैसे परिक्रमा लगा रही है, मतलब किस तरह से वो लेट के आई है माता रानी के पास, उनकी कोई मन्नत थी जो पूरी हो चुकी है। और यहाँ से मैं बाहर निकल गई, और ये रहा हमारा मंदिर जय कालका माँ। गैस यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक मंडली आई हुई थी, कैसे जयकारा लगाया जा रहा है माता रानी का, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी आइए कालका मंदिर, दिल्ली वाले तो मोस्टली मेरे ख्याल से आते ही होंगे, लेकिन जो दिल्ली कभी आए भी ना वो ज़रूर कालका मंदिर ज़रूर आना। अब मेरे निकलते साथ ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई। जब मैं आई थी यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब था लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, और लाइन तो थी ही नहीं, और एंड तक आगे तक लाइन लगी है। मैं सोच रही थी अच्छा मेरे दर्शन माता रानी ने बहुत अच्छे से करा दिए, बहुत अच्छे दर्शन मेरे हुए। इन लोगों के दर्शन अच्छे ही होंगे, क्योंकि माता रानी ने जब बुलाया है तो दर्शन माता रानी ने देगी ज़रूर अच्छे से। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया और मौसम थोड़ा बारिश। गाइस अब मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ लोधर मंदिर, ये यहाँ की शॉप है, ये बाहर आज एंट्री यहाँ से है, मोस्टली यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से एंट्री अंदर से है। और ये मंदिर आप देख सकते हो काम चल रहा है, और ये शॉप। अब मैं यहाँ से कुछ सामान ले लेती हूँ चढ़ाने के लिए। आज यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, आज हर मंदिर में भीड़ है। तो रास्ता चेंज हो गया इस बार, मतलब लास्ट टाइम जब आई थी मैं आगे वाले गेट से गई थी, और इस बार पीछे वाले गेट से रास्ता उन्होंने खोला हुआ है। तो मैं पीछे जा रही थी, देखा लाइन तो कुछ ज़्यादा ही लंबी निकल गई, जहाँ तक उन्होंने कारपेट बिछाया गया तो उससे भी आगे थी। तो फिर मैं निकली और मैं लगी यहाँ लाइन में। तो गाइस फाइनली मैं लोधर मंदिर पहुँच चुकी हूँ, बहुत लंबी लाइन थी, अभी भी है, मैं लाइन में लगी हुई हूँ, बट ये है कि लाइन धीरे धीरे चल रही है, तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है अंदर जाने में। और मैं लाइन में लगी हुई हूँ, देख पाती हूँ आपको लाइन कितनी लंबी है। आज थर्सडे है तो लाइन यहाँ पर भी होनी ज़रूरी थी, क्योंकि थर्सडे मोस्टली भीड़ होती है, लेकिन लाइन इजीली चल रही थी क्योंकि यहाँ पर ना जल्दी चलते हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड अंकल मुझे मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है मंदिर में कि हम वीडियोस बना नहीं सकते हैं, बट मैं मानूंगी नहीं क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना था, आप सब लोगों को दर्शन कराने थे बाबा के, जैसे मैंने कालका मंदिर में कराए थे। तो मैं यहाँ पर भी स्टार्ट हो गई और मैंने आप लोगों को दर्शन कराए, थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप कभी आओ तो आप भी बैठना थोड़ी देर, 5 मिनट या 2 मिनट ही बैठोगे ना तो बहुत सुकून मिलेगा। और आप बाबा देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं हमेशा के जैसे। और फिर मैं यहाँ से उठ के बाहर ही जा रही थी, फिर मैं सोचा थोड़ा सा और रिकॉर्ड करती हूँ। मैं यहाँ से पहुँच गई ऊपर, और फिर मैं ऊपर पहुँची तो मैंने सोचा ऊपर की भी वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। और मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करके मैं गई दूसरी साइड में, यहाँ पर भी काफ़ी सारे भक्त बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे यहीं बैठ कर। और यहाँ से आप देख सकते हो मतलब नीचे का पूरा दिख रहा था मंदिर, और नीचे के भक्त जो बैठे हुए थे नीचे, ये रे साईं बाबा, जय साईं राम। और अब चलते हैं बाहर की ओर। तो गाइस मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं कालका मंदिर में भी, और लोधीगढ़ मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया भी, कि ऊपर भी दिखाया मंदिर और नीचे भी दिखा दिया। तो अब मैं जा रही हूँ, फाइनली निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, मम्मी लगभग आ चुकी है ऑफिस से। अब मैं जा रही हूँ घर। तो गाइस मैं अब निकल गई हूँ घर के लिए, अब स्कूटी स्टार्ट करती हूँ और सीधा मिलती हम लोग घर पर। तो गाइस फाइनली मैं अब निज़ामुद्दीन में पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हो अभी मैं रेड लाइट पर रुकी हूँ। मैं रास्ते की वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं एक अकेली हूँ एक तो, और स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ मेरी स्कूटी।
तो मैं रास्ते की वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बट तो आपको मैं मिलती हूँ, अब मैं आपको मिलूँगी मे भी शाम को, शाम की पार्टी में, तो शाम को मिलती हूँ। बाय बाय।